श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित महिमा में जगत जननी जानकी और जगत त्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आसीन देख करके सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था। हर्ष अतिरेक से मेदिनी पुलकित होगी और देवगण मुदित होकर के स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कर दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदनंतर उन्होंने अपने मित्र किष्कंधापति सुग्रीव को मंत्रियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जड़ित दो बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होते थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विषम परम बुद्धिमान वैभव संपन्न जामवान द्विद मैंद नल और नील आदि वानर भानुओं को मनोवांछा पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परम उत्तम मुक्ता हार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा, प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कहीं कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणार विंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभा की ओर देख करके अंजना नंद को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु पर दत्त दुर्लभतम मुक्ता हार अपने गले में से निकाल करके हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान करके प्रभु ने कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उस बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी को शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते कि तेज धृति याश्य चतुरता शक्ति विनय नीति पुरुषार्थ प्राकर्म और बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतः इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी थे, किंतु इस हार के मेष श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार के प्राप्त करने की सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुख आकृति उनके प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार, हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट करके देखने लगे। कुछ देर तक तो वे हार को उसके प्रकाश विकीर्णकारी एक एक मुक्ता मणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे,
किंतु उनमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, संभवतः इसके भीतर मेरे अभीष्ट श्री सीताराम मिल जाए। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डाल करके अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ नहीं था। ये तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। ये दृश्य देख करके सबका ध्यान पवन की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवन, निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभा सदगण ये दृश्य देख करके चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डाल करके फोड़ दिया और उसे भी देख करके फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि और रत्नों को मुख में डाल करके दांतों से फोड़ते और उसे देख करके फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना, बंदर को बहुमूल्य हाथ देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण जी तो पूछ ही लिया, हनुमान जी इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दे रहे हैं। एक रत्न को फोड़ कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर क्या करूं, मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मोती है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पा करके मैं इनके रत्नों को तोड़ फोड़ करके देख रहा हूं कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए। पर अब तक तो एक रत्न भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिससे मेरे स्वामी की त्रैताप विनाशक मूर्ति नहीं, वे तो तोड़ने और फेंकने ही योग्य हैं, उनका उपयोग ही किया। महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ शुभ्ध होकर के पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु को की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, निश्चय मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में ही विराजते हैं और यदि वे वहां नहीं हैं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोगी नहीं है, मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य चरण अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़ करके दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य, भीषण ने ही नहीं भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीता राम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतर करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शीर उधेड़ रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम के मंगल में कर स्पर्श से उनका शीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी
भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त एम बाह्य अभ्यंतर श्री राम में हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हो, वे श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हों। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कुशल्य आदि माताएं तथा श्री राम चरण अनुरागी सभी प्राण अधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्कंधा के लिए प्रस्थित हुए, तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीतिपूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर के दया धाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अन्यतम उदार हनुमान जी, ये जीव मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवद मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं। युवराज अंगत ने प्रभु से विदा लेकर के किष्कंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम निवेदन करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरण उन्मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए ये वे प्रतिपल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का ये तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर के भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। ये देख करके हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते, वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा ही उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों में प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचता कुछ कह नहीं पाते, हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? जब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे दीन दयालु प्रभु, सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भ्राताओं के सहायक तो हुए ही, वे सहज उनके प्रीति भाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, वहाँ प्रभु के मंगल में मधुर नाम का कीर्तन होता है। जहाँ कल्याण पूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जापक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण करके साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने
एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार किया था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करना मूर्ति श्री राम उस पर बैठ के और भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान भी उन पर पंखा झलने लगे। सजल जगत वपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन का हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और आप उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर दिए। सच्चिदानंद घन प्रभु के इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर गदगद कंठ से जगन माता पार्वती से कहते हैं, गिरजे हनुमान जी के समान ना कोई वडभागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस ये मनोहारनी झांकी जिस वड़भागी के हृदय को स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल ही प्राप्त हो जाए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।